दोस्तों, जो भारत यूनाइटेड नेशन में हमेशा से इजराइल का सपोर्ट करता था, आखिर ऐसा क्या हुआ कि इजराइल के खिलाफ भारत आज यूनाइटेड नेशन यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के सबसे बड़े मंच पर इजराइल के खिलाफ खड़ा हो गया है, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन अंत तक आप जरूर देखिएगा कि आखिर भारत जो हमेशा इजराइल को सपोर्ट करता था, उसने आज इजराइल के खिलाफ क्या कुछ यूएन में किया है। दरअसल यह मामला गोलन हाइट्स को लेकर है, जहां पर 1968 के दौरान इजराइल ने कब्जा कर लिया था और यहां पर इजराइल ने अभी तक अपना कब्जा जमाया हुआ है। हाल ही में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एक रिजोल्यूशन यानी कि प्रस्ताव को पास किया गया, जिसमें इसी गोलन हाइट्स से इजराइल को वापस हटाने की बात की गई। गोलन हाइट्स के बारे में आपको जानकारी दे दे तो यह जगह सीरिया के पास मौजूद है और इस जगह की अपनी वैल्यू है, क्योंकि इजराइल का लगभग 50% हिस्सा डेजर्ट है और गोलन हाइट्स पर काफी बढ़िया खेती है और यहाँ पानी के बहुत अच्छे सोर्सेज मौजूद है और यहाँ से इजराइल के पश्चिमी किनारे पर रहने वाले लोगों को खूब बढ़िया मात्रा में पानी मिलता है। ऐसे में अब इजराइल पर गोलन हाइट्स को छोड़ने का दबाव बनाया जा रहा है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूएन में सब देशों की अपनी एक सीमा निर्धारित है। ऐसे में सीरिया का यह हिस्सा इस वक्त इजराइल के कब्जे में है। आप सोच रहे होंगे कि यूएन के इस फैसले में भारत क्यों यूएन का साथ दे रहा है और इजराइल के खिलाफ है, तो आपको बता दें कि भारत हमेशा से ही वही मानता है जो यूएन कहता है, तो भारत का एक मोरल ग्राउंड है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत के भी दो क्षेत्रों पर पाकिस्तान और चीन ने कब्जा किया हुआ है, यानी कि पीओके और सीओके, उसके लिए भी भारत हमेशा से यूएन में प्रस्ताव पेश करता आया है। ऐसे में भारत किसी भी तरह के कब्जे का यूएन में फेवर नहीं कर सकता और अगर भारत इजराइल जिन क्षेत्रों पर कब्जा करके बैठा है उन्हें सही ठहरा देगा तो भारत मोरल ग्राउंड्स पर बहुत सारे देशों का साथ छोड़ देगा और इसलिए भारत की यह मजबूरी है कि भारत किसी भी तरह के अतिक्रमण का हमेशा विरोध करेगा और इसके साथ ही सभी तरह की आतंकी घटनाओं का भी भारत हमेशा विरोध करता है। लेकिन यह भी सच है कि भारत को इस तरह के कब्जों का विरोध करना ही होगा और यही वजह है कि जिस गोलन हाइट्स को लेकर दुनिया यही कहती है कि इजराइल को उसे खाली करना होगा, भारत उनके साथ खड़ा होता है और इस बारे में भारत इजराइल को सीधे तौर पर जवाब भी देता है कि तुम्हारे द्वारा इस पर कब्जा किया गया है, लेकिन इस बारे में हम यही चाहेंगे कि यह जिसका है उसे ही मिले, क्योंकि भारत दुनिया का ही साथ चाहता है। और जानकारी के लिए बता दें कि गोलन हाइट्स के जरिए इजराइल स्ट्रेटेजिक रूप से भी लाभ उठाता है, सीरिया पर पूरी नजर रखता है, यहां के क्षेत्र से हमेशा सीरिया को हड़काता है और इन्हीं सब बातों की वजह से इंडिया ने इनके खिलाफ वोट किया है। जैसा कि गाजा को लेकर भी भारत ने पहले कहा था कि वह नहीं चाहता कि इजराइल गाजा पर कब्जा कर ले, उसी तरह से अब गोलन हाइट्स को लेकर भी भारत नहीं चाहता कि गोलन हाइट्स पर इजराइल का कब्जा हो और इसलिए भारत का इस विषय में साफ तौर पर यही कहना था कि गोलन हाइट्स जिसका है उसी के पास वापस जाना चाहिए। और आपको बता दें कि यूएन में 91 वोट इस प्रस्ताव के पक्ष में थे कि गोलन हाइट्स पर इजराइल का कब्जा नहीं होना चाहिए और इन देशों में भारत के अलावा रूस, चीन और यूएई जैसे देश शामिल थे, जबकि 8 देश ऐसे थे जो मानते हैं कि इजराइल का कब्जा रहना चाहिए, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश थे जो हमेशा इजराइल के पक्ष में रहे हैं। लेकिन इन चीजों की वजह से भारत इजराइल के संबंध खराब नहीं होने वाले, क्योंकि इजराइल इस बात को पहले ही जानता है कि भारत हमेशा यूएन के हिसाब से ही चलता है और अपने फैसले लेता है। क्या कहना है आपका इस पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तालिबान ने खोद दिए तेल के कुएं, दुनिया हैरान। उधारी बंद तो मालदीव के सारे अस्पताल ठप, सप्लाई रोकी तो घुटनों पर आया मालदीव। दोस्तों, तालिबान ने अब तेल पाइपलाइन बनाकर दुनिया भर को हैरान कर दिया है। तेल के कुएं खोदकर तालिबान पूरी दुनिया को बता रहा है कि वे अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाएगा। ऐसे में अफगानिस्तान अब लगातार चीन के सहयोग से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है और अब इसी उम्मीद के बल पर तालिबान ने अफगानिस्तान में 8 तेल के कुएं खोदे हैं।
अफगानिस्तान में तालिबान के शासन के बाद चीन के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर तालिबान ने हस्ताक्षर किए थे, क्योंकि तालिबान आर्थिक संकट से जूझ रहा है और इसी बीच अपनी हालत सुधारने के लिए उसने सबसे बड़ा समझौता किया और अब 8 नए कुओं से तेल निकालने की शुरुआत अफगानिस्तान ने कर दी है। बताया जा रहा है कि इन तेल कुओं के सक्रिय होने के बाद अफगानिस्तान को इस तेल क्षेत्र से सालाना लगभग $500 मिलियन की आय होगी। साथ ही इस बारे में बताया गया कि 17 कुओं से तेल निकाला जा रहा है और यह 200 क्यूबिक मीटर से भी कम हुआ करता था, लेकिन अब यह बढ़कर 800 क्यूबिक मीटर हो गया है। ऐसे में इस महत्वपूर्ण परियोजना का उद्घाटन किया गया और कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान और चीन के बीच हुआ यह समझौता दोनों देशों के बीच संबंधों में नए अध्याय के जुड़ने जैसा है और इन नई 8 पाइपलाइनों का खुलना अपने आप में अफगानिस्तान और चीन के बीच में मजबूत संबंधों की तरफ इशारा करता है, जो कि पाकिस्तान के लिए भी एक झटके वाली बात है। बता दें कि अफगानिस्तान में आर्थिक संकट के बीच तालिबान का राज आया और तब से ही अफगानिस्तान आर्थिक संकट से जूझ रहा है और ऐसे में तालिबान सरकार अफगानिस्तान को इस संकट से निकालने के लिए पूरी तरह से जुटी है। तो वहीं दूसरी तरफ मालदीव के अस्पतालों में सिंगल यूज डिस्पोजेबल आइटम की बहुत कमी है, क्योंकि मालदीव के पास इन्हें खरीदने के लिए प्रॉपर बजट नहीं है और इनकी डिलीवरी में काफी देरी हो रही है। वैसे तो मालदीव हर साल 2 बार इस तरह के डिस्पोजेबल आइटम की खरीद करता है और फिर देश भर के अस्पतालों में इनका वितरण किया जाता है, लेकिन बजट की कमी होने की वजह से मालदीव के अस्पतालों में इनकी सप्लाई नहीं की गई, जिसके बाद मालदीव के अस्पताल इमरजेंसी प्रोविजन पर काम करने को मजबूर है। इसके अलावा मालदीव में दवाइयों की भी काफी शॉर्टेज है, जिसकी वजह से वहां की जनता काफी परेशान है और ये सारी परेशानियां मालदीव पर तब आई जब मालदीव के राष्ट्रपति भारत के साथ अपने संबंध खराब कर रहे हैं और उनकी फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल भारत विरोधी है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल ही में मालदीव के राष्ट्रपति अपना पहला फॉरेन विजिट करने के लिए तुर्की पहुंच गए, जो दशकों में पहली बार हो रहा है, क्योंकि हमेशा से यही देखा गया है कि मालदीव में जब भी सरकार बनती है तो वे भारत का दौरा करते हैं, लेकिन इस बार मालदीव के राष्ट्रपति ने तुर्की का दौरा करके इस बात को साफ कर दिया कि वह भारत को ज्यादा अहमियत नहीं देना चाहता और वह चीन और तुर्की जैसे देशों की तरफ अपना रुख कर रहा है। अगर भारत चाहे तो सारी डिस्पोजेबल आइटम मालदीव को भेज सकता है और मदद के तौर पर दुनिया के सामने इसे प्रदर्शित भी कर सकता है, लेकिन भारत ऐसा कुछ नहीं कर रहा। जिस तरह से मालदीव के अस्पतालों में डिस्पोजेबल आइटम की कमी होती जा रही है, उससे यह तो बात साफ है कि अगले कुछ हफ्तों में अगर इन्हें नहीं खरीदा गया तो मालदीव के लिए चुनौती काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। ऐसे में इस समय मालदीव को समझने की जरूरत है और अपनी फॉरेन नीति में बदलाव करने की जरूरत है, क्योंकि अभी उसे लग रहा है कि वे एक झटके में ही भारत की ताकत को खत्म कर सकता है और चीन से मिलने वाले पैसों का इस्तेमाल करके पावर में बना रह सकता है।